सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स के प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स, वो भी बहुत कम टाइम में। फिजिक्स के प्रीवियस 10 ईयर पेपर, वो भी बहुत कम टाइम में। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे 10 ईयर पेपर करने लगेंगे तो आपको कम से कम भी 4 to 5 आवर्स चाहिए करने के लिए। बट हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं इसको, काइंड ऑफ रैपिड फायर करने वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए रिपीटेड क्वेश्चन निकाल दिए हैं, अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल दिए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन निकाल दिए हैं, क्योंकि एनसीईआरटी वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको भी देखिए। ओके फ्रेंड्स, सो फिजिक्स के प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स, वो भी बहुत कम टाइम में। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स, व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मतलब इजी सा क्वेश्चन है, बस मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए ये डाला है कि प्लेन मिरर भी हमारे कोर्स में है और आपको ये भी आना चाहिए। लेटरल इन्वर्जन होता है, सेम साइज सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप इसमें लिख सकते हैं, वर्चुअल इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ये फ्रेंड्स देखा जाए तो बहुत एडवांस और बहुत इजी दोनों टाइप के क्वेश्चन में आ जाता है। लाइट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अभी तक भी पता नहीं चल पाया। ओके, सो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इट्स की स्पीड लिख सकते हैं वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लिख सकते हैं कि इसकी ड्यूल नेचर होता है, ये वेव की तरह भी काम करती है और पार्टिकल की तरह भी काम करती है। तो ये था लाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस। सो फ्रेंड्स, पावर ऑफ लेंस की बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन दी है एनसीईआरटी में, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल से मतलब बताता हूँ। तो पावर ऑफ लेंस क्या कहते हैं कि, ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या कहते हैं कि जैसे ये हमारा लेंस है, तो अगर यहाँ से जिसकी लेंस की पावर ज़्यादा है तो यहीं पर कन्वर्ट करा देगा, जिसकी लेंस की पावर कम है तो वो यहाँ जाके कन्वर्ट कराएगा। समझ रहे होंगे आप। तो ज़्यादा पावर वाला जल्दी कन्वर्ट करा देगा, कम पावर वाला लेट कन्वर्ट कराएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब था। बैक टू रेड, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई लाइट बेंड्स ऑन चेंजिंग मीडियम्स। व्हाई लाइट बेंड्स ऑन चेंजिंग मीडियम्स। सो फ्रेंड्स, का क्या आंसर होगा, ये अगर एक ये मीडियम का डिवीजन है, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, अब लाइट बेंड क्यों करेगी, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था। ओके, लेकिन यहाँ पे उसकी स्पीड कम हो गई या फिर बढ़ गई, यहाँ पे स्पीड कम थी या ज़्यादा थी। तो अगर उसकी स्पीड कम हो गई तो यहाँ चली जाएगी लाइट, ज़्यादा थी अगर स्पीड तो वो लाइट यहाँ चली जाएगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो ये इस तरीके से काम करते हैं क्योंकि चेंज इन स्पीड हो जाती है, तो इसलिए डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है लाइट को वाइल चेंजिंग मीडियम्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अप, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एंड इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे, ठीक है। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, अंडर व्हाट कंडीशन विल अ ग्लास बी इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट लिक्विड सॉल्यूशन, गिवन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहना है हमको कि सिर्फ ग्लास लैब को लिक्विड के अंदर रख देंगे तो ऑब्वियसली इनविजिबल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और लाइट डालने पर भी कोई डिफरेंस हमको नहीं पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू पुट टू कन्वर्जिंग लेंसेज टू मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंटर एंड एग्जिट। सो फ्रेंड, मैं आपको समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे हम थोड़ी सी जगह लेते हैं। ये कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर जैसे दो लेंसेज हैं, ये लेंस 1 और ये लेंस 2, तो हमें एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से निकालें और पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से निकल जाए, हम ऐसा चाहते हैं। इसकी फोकल लेंथ हम ले लेते हैं F1, इसके ले लेते हैं F2, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर फ्रेंड्स F1 + F2, ठीक है। लेकिन क्यों, अब यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई तो ये F1 डिस्टेंस जाके कन्वर्ट हो जाएगी, फिर ये आगे जाएंगी F2 डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, यानी कि दूसरे में मतलब फोकस, तो इसलिए यहाँ से भी पैरेलल निकल जाएंगी। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल लॉजिक है, जिसको आता है सिर्फ वही अप्लाई कर पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमने कर लिया, ये हमारे हो गए फ्रेंड्स। ये वाला क्वेश्चन हमने करा प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हुए, ये वाला करा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, तीसरा क्वेश्चन करा पावर ऑफ लेंस के डिस्कस करते हुए, फोर्थ क्वेश्चन
वाई लाइट बेंड्स। फिफ्थ क्वेश्चन करा प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमने करा अंडर व्हाट कंडीशन विल ग्लास बी इनविजिबल, ये डिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेवन हमने करा एक कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन लेंस से रिलेटेड। तो फ्रेंड ये हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का चैप्टर था। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू, चैप्टर नंबर टू है आई मीन ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिफाइन एंड टेल द फंक्शन ऑफ आयरिस, लेंस, रेटिना, सीलियरी मसल्स, कॉर्निया एंड प्यूपिल। ओके फ्रेंड्स, तो इन सब का आपको फंक्शन, इसकी डेफिनेशन, सब कुछ आपको आना चाहिए। ये एनसीईआरटी में बहुत क्लियर लैंग्वेज में लिखा है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है फ्रेंड वो होते किसी भी आई की पावर। अब आप देखिए कि आप कोई भी दूर की चीज़ देखते हैं, पास की चीज़ देखते हैं, आपको मतलब दिख अच्छे दिख जाती है, लेकिन हमारे और हमारे आई का जो लेंस है वो चेंज हो सकता है बाय द एक्शन ऑफ सीलियरी मसल्स। जो प्रोटीन्स है वो चेंज हो सकते हैं। ओके सो यही पावर ऑफ अकोमोडेशन है, जो कि वो फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से हमें आगे वाली इमेज भी अच्छे से दिखाई देती है और पीछे वाली इमेज भी अच्छे से दिखाई देती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थ्री, बट ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मतलब डायग्राम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया डिसीज एंड उनकी करेक्शन। फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि इस बार ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। इस बार न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल के बारे में हम आपको एनसीईआरटी वाली वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करिए, लेकिन आपको ये वाला भी आना चाहिए, क्या पता ऑप्शन में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डू डिफरेंट कलर्स बेंड एट डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट लाइट इन अ प्रिज्म। फ्रेंड्स इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया जिसको वो अच्छे से कर पाएगा। इसमें क्या बता रहा है फ्रेंड्स कि जैसे ये प्रिज्म है और ये वाइट लाइट आई, तो सारी लाइट डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे क्यों बेंड करती हैं। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग है। हमने नाइन्थ में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, वी इक्वल टू एफ लैम्डा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा कि वेलोसिटी, हमें जो स्पीड निकालनी है, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी को हम एक बार के लिए हटा देते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम एक बार के लिए हटा देते हैं पिक्चर से। सिर्फ लैम्डा यानी कि वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है सब वेलोसिटी, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, क्योंकि ये एफ और लैम्डा इनवर्स प्रोपोर्शन में थे। सो ये था हमारा चीज़ एक बार। ओके सो अब जैसे रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, इसलिए वो सबसे इधर जाती है। ठीक है, तो ओके सो वॉयलेट की वेवलेंथ ज़्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, नहीं होगी या नहीं होगी बताइए आप। नहीं होगी, अभी बताया होगी इन्वर्स प्रोपोर्शन में था, तो उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, ये वाली वी होगी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम रेड की बात कर रहे थे, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी, सॉरी तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी और वो यहाँ पर रेड होगा। तो यहाँ से वेवगर हमारा चलता है, तो ये वाला क्वेश्चन था प्रिज्म के ऊपर जो इस बार आया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। वाई रेड कलर इज यूज्ड एज डेंजर साइंस, वाई रेड कलर इज यूज्ड एज डेंजर साइंस। सो फ्रेंड्स इसका ये आंसर है कि जो रेड कलर है उसको डेंजर साइंस की तरह इसलिए यूज करा जाता है बिकॉज उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ज़्यादा पार्टिकल स्कैटर नहीं कर पाते और वो ज़्यादा डिस्टेंस तक सेम कलर में दिखता है, तो लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होती है, ज़्यादा डिस्टेंस दिखाने के लिए यूज़ कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ट्रेसिंग अ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म, ट्रेसिंग अ मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म। इसके अंदर सबसे बड़ा कैच है फ्रेंड्स ये वर्ड मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक। अब हम प्रिज्म सोचते ही हमारे दिमाग में ये आता है कि यार डिस्पर्जन वाला डायग्राम बना देते हैं, बट मोनोक्रोमैटिक का मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक कलर हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेड लाइट लेंगे तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है जो कि एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड पे दिया है एक एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पे नॉर्मल, इसका नॉर्मल और इसका नॉर्मल, यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हुए ये एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको बना देना है इसमें। ओके फ्रेंड्स, सो हम सॉरी
सो हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, 3, 4, 5, 6। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 पे, एग्जांपल वेयर ट्रेंडल इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व, एग्जांपल वेयर ट्रेंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। तो इसमें बुक में दो एग्जांपल दिए हैं। द वन इज़ अगर आप डार्क रूम में स्मोक फिल्ड रूम में हो तो आपको एक रे ऑफ लाइट दिखती है। सेकेंड अगर आप डेंस फॉरेस्ट में हो तो आपको ज़रा सी रे ऑफ लाइट निकलते हुए बहुत अच्छे से दिखती है। तो आप वो वाले यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज स्काई ब्लू, व्हाई स्काई ब्लू। इसमें एनसीईआरटी में आपको देख लेना इसका आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई स्काई रेड एट सनसेट एंड सनराइज, व्हाई स्काई रेड एट सनसेट एंड सनराइज। ओके फ्रेंड्स सो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सारे आई के पार्ट्स की डेफिनेशन ऑफ फंक्शन देखे, क्वेश्चन नंबर 2 में पावर ऑफ अकोमोडेशन देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया के डायग्राम्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा कि डिफरेंट लाइट रेज डिफरेंट एंगल पे बेंड करती हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा व्हाई रेड कलर इज यूज एट डेंजर साइन, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा कि मोनोक्रोमेटिक रे को हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं प्रिज्म में, क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा कि टिंडल इफेक्ट के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8 व्हाई स्काई ब्लू, क्वेश्चन नंबर 9 वाई स्काई रेड एट सनसेट एंड सनराइज। ओके फ्रेंड्स तो अगले पेज पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स सो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1, एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कनेक्शन, एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कनेक्शन ये आ सकता है हाउस होल्ड सर्किट के थ्रू। ठीक है तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, फायर प्रिवेंशन हो सकती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, सबका अलग अलग स्विच बना सकते हैं, सबको इक्वल वोल्टेज मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स तो एक खराब हो जाए तो पूरा सर्किट ब्रेक नहीं होता है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स, कनेक्टिंग 3 9 ओम, ओ कनेक्टिंग 3 9 ओम रेजिस्टर्स टू गेट 13.5 ओम एंड 6 ओम। तो इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स अभी। ओके सो फ्रेंड्स हमारे पास 3 9 ओम के रजिस्टर्स हैं, उनको कैसे कनेक्ट करें कि 13.5 और 6 ओम्स मिल जाए। सो सबसे पहले तो हम देख हमेशा 3 का ही क्वेश्चन आता है, तो कैसे कैसे हमारे पास टाइप्स होते हैं, एक होता है सबको सीरीज में लगा दो, ठीक है, एक होता है सबको पैरेलल में लगा दो, लेकिन ये वाले क्वेश्चन कभी भी नहीं आते क्योंकि बहुत इजी हो जाते हैं। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है कि दो पैरेलल में और उनके साथ एक सीरीज में, और लास्ट होता है फ्रेंड्स दो सीरीज में ऐसे और उनके साथ एक पैरेलल में। ठीक है तो ये इसमें देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या बनता है हमारा फ्रेंड्स। अगर ये 9 ओम होगा, ये 9 ओम होगा और ये 9 ओम होगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1/9 + 1/9 यानी कि 2/9 यानी कि 9/2 4.5, 4.5 + 9 4.5 + 9 = 13.5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है वाला पार्ट है। सेकेंड आ जाते हैं फ्रेंड्स, ये 9 है, ये 9 है और ये 9 है, 1/18 + 1/9, ठीक है, 1/18 + 1/9 = 18/3 = 6 ओम। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का हमारा ये वाला पार्ट है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया बहुत जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, ये वाला हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिराइव आर इक्वेलेंट इक्वल टू R1 + R2 + R3 इन अ सीरीज कनेक्शन, डिराइव 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इन पैरेलल कनेक्शन। तो ये वाली डेरिवेशन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उनको कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आ सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन रेजिस्टिविटी, डिफाइन रेजिस्टिविटी। फ्रेंड्स रेजिस्टिविटी सब जानते हैं क्या होता है, चेंज नहीं होती है दिस एंड दैट, बट रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन है जो आप लोगों को आनी चाहिए। सो फ्रेंड्स अभी मैं वो डेफिनेशन बोलने वाला हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ऐसी याद हो सकती है तो वेल एंड गुड। सो फ्रेंड्स रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। आपको एक बार समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर एक वायर की लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, आर इज इक्वल टू हमें पता है रो एल बाय होता है। अब हमें पता है रो हमें निकालना है, एल हमारा 1 दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 दे दिया,
ठीक है, तो हमें पता है कि दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू रो, आर इज इक्वल टू रो। अब आर के लिए तो हमारे पास दूसरे फॉर्मूला भी हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। तो इन सब से हम आर निकाल सकते हैं और उससे हम रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, बट ये वाला चीज़ आपको पता होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, सो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम ये वाला कर चुके हैं, ये एंड दिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब हमें करना है फ्रेंड्स आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए के न्यूमेरिकल्स, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए के न्यूमेरिकल्स। ये वाले फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कैलकुलेशन में भी आ जाते हैं और कई बार स्ट्रेच वाले रिलेटिव वैल्यूज, लेंथ इज डबल डबल ओवन इट सेल्फ। ओके सो ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स। पैरेलल ओवर सीरीज कनेक्शन करना है, डेरिवेशन दे दो, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है और इसके न्यूमेरिकल्स करना है। ओके फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 मैग्नेटिक, चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है इसके अंदर क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अ एरिया इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेट इज और कैन बी ऑब्जर्व्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 2, नेसेसरी पैरामीटर्स टू डिस्क्राइब अ मैग्नेटिक फील्ड। नेसेसरी पैरामीटर्स टू डिस्क्राइब अ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्शन एंड एंड द फोर्स, द पावर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके क्वेश्चन नंबर 3, हाउ फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द करंट एंड ऑन द डिस्टेंस। डिपेंड्स का मतलब है फ्रेंड्स, या तो वो प्रोपोर्शनल होगा या फिर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। करंट के वो होता है प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ईजी क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, हाउ टू इंड्यूस करंट इन अ कॉयल। हाउ टू इंड्यूस करंट इन अ कॉयल, इसके दो ये हैं कि इसके पास मैग्नेट को घुमाओ या फिर मैग्नेट के पास इसको घुमाओ, इधर वे करंट इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज करना है हमारा मेन काम। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग आर्मेचर एंड ब्रशेज। फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग आर्मेचर एंड ब्रशेज इन अ मोटर। ओके फ्रेंड्स, तो बैकग्राउंड नॉइज के लिए थोड़ा सा सॉरी। फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग आर्मेचर एंड ब्रशेस, तो ये आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एसी एंड डीसी, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट, ये भी आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज अ फ्यूज, व्हाट इज अ मटेरियल बाय विच फ्यूज इज मेड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज। तो ये फ्यूज के बारे में एक तरीके से आपको सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि फ्यूज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन देखा जा चुका है सीबीएसई एग्जामिनेशन में और इस बार भी शायद ये एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अर्थ वायर को मैंने एनसीईआरटी वाली वीडियो में भी हाईलाइट करा था, इस वीडियो में भी हाईलाइट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट एंड सर्किट ब्रेक न्यूमेरिकल्स। ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट एंड सर्किट ब्रेक न्यूमेरिकल्स। अब ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट सबको पता है, लेकिन ये सर्किट ब्रेक न्यूमेरिकल्स क्या चीज़ें हैं ना। तो ये वाले वो वाले क्वेश्चन है फ्रेंड, इसके अंदर बोलता है कि कितने एम्पियर का फ्यूज़ हमको लगाना चाहिए जिससे कि ये वाली चीज़ें हम चला सकते हैं। तो उसमें हमें ओवरऑल करंट निकाल के उससे ऊपर वाला जो होता है फ्यूज़ लगाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आ जाता है हाउस होल्ड सर्किट का डायग्राम, जिसको समझाना आ सकता है, उसमें गलतियाँ निकालनी आ सकती है, किसी भी तरीके से सीबीएसई एग्जामिनेशन पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मैग्नेटिक इफेक्ट से क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर नंबर 5, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमारे पास 7 क्वेश्चन, चलिए देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमास। सो फ्रेंड्स, बायोमास आप लोग एनसीईआरटी से देख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिटेशंस ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की लिमिटेशन पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। सो विंड एनर्जी की लिमिटेशन क्या है कि 15 किलोमीटर पर आर की कम से कम विंड चाहिए, बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए, मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, बैकअप एनर्जी चाहिए। ओके क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द मटेरियल यूज फॉर सोलर सेल। व्हाट इज़ द मटेरियल यूज फॉर सोलर सेल, इसका क्या आंसर है फ्रेंड्स। इसका दो एलिमेंट्स हैं, या तो सिलिकॉन, या तो मतलब सिलिकॉन एंड सिल्वर, सिलिकॉन एंड सिल्वर, सिलिकॉन से सेल बनाए जाते हैं और सिल्वर से कनेक्शंस करे जाते हैं सोलर सेल्स के अंदर। एक्सप्लेन हॉटस्पॉट्स,
एक्सप्लेन हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट की डेफिनेशन जियो थर्मल एनर्जी में आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ ओटेक। फ्रेंड अगर इसकी आपको फुल फॉर्म पता हो तो आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सीबीएसई ने भी यही ट्विस्ट डाला कि उन्होंने भी ओटेक लिखा था और इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखी थी। इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जिसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज इंक्रीज डिमांड इफेक्टिंग द एनवायरमेंट। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कि हाउ इज इंक्रीज डिमांड इफेक्टिंग द एनवायरमेंट। ज़्यादा डिमांड आ रही है उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर बन रहा है, पड़ रहा है अर्थ के ऊपर उसकी वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रेंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आ सकता है एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के भी क्वेश्चन हो गए। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, क्योंकि हमने आज टेंट पेपर भी जल्दी से ख़त्म कर लिए फिजिक्स के। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और शेयर करिए वीडियो को। कल आप लोगों का साइंस का एग्ज़ाम है, तो उसमें आप लोगों के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज़्यादा से स्टूडेंट का शेयर कर ताकि सबको फ़ायदा हो सके इस वीडियो का। शेयर करिए और कमेंट करिए जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।